हेलो वेलकम बैक दिस इज सौरभ कुमार राउत वेलकमिंग यू ऑन माई यूट्यूब चैनल द राउत क्लासेस आज के हमारी वर्चुअल क्लास में बात होने जा रही है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो टर्म है जो पूरे पार्टनरशिप का चार पिलर जो है ना सर वो चार पिलर में से एक पिलर यही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पार्टनरशिप की जो एक पिलर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी आगे की जो क्लासेस है एडमिशन ऑफ द पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर डेथ ऑफ पार्टनर या डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक भी चैप्टर आपसे नहीं होने वाला है मतलब प्रॉफिट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो प्लेज अ वेरी की रोल वाई सॉल्विंग द्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और गेटिंग एनी बिट ऑफ नॉलेज अबाउट इट सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो है जिस जिसमें कोई भी पार्टनर अपना प्रॉफिट या लॉस पार्टनरशिप फॉर्म में शेयर करता है तो सबसे पहले सर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कौन कौन सी ऐसी सर्कमिस्टांसेस है जब वो चेंज हो सकती है तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को चेंज होने के लिए आपकी चार बेसिक केसेस है चार क्यों सर रिटायरमेंट और डेथ मोर और लेस एक ही चीज है पार्टनर का फर्म को छोड़ के जाना ठीक है इसीलिए सबसे पहला केस आपका है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा टर्म है जहां पर आप पुराने फर्म की पुरानी डीट को खत्म करके नए फॉर्म का आपने इनोग्रेशन किया है सॉरी नई पार्टनरशिप डीट को फॉर्म किया है मतलब कि पुरानी पार्टनरशिप डीट खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप डीट आपकी स्टेब्लिश हो जाती है पार्टनरशिप डीट की मैं बात कर रहा हूं पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में नहीं पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है जो कि आप कभी भी चेंज कर सकते हो चेंज क्यों करना है क्योंकि इस केस में विद इन द ईयर कोई पार्टनर अपने कैपिटल में से कुछ अमाउंट विद्रॉ कर लेता है तो लाजमी है कि फर्म जो है उसको पहले से कम प्रॉफिट देगी और कोई पार्टनर ऑन दी अदर हैंड अगर एडिशनल कैपिटल लगा रहा है इंट्रोड्यूस कर रहा है तो ही माइट फ्यूचर कंसर्न इसीलिए इन दोनों सरकम इंस्टांसिस को लेकर के पार्टनरशिप डीट का चेंज होना सर लाजमी है और पार्टनरशिप डीट का एक एलिमेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो वो भी चेंज होगा मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मीन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड और जहां पार्टनरशिप डीड चेंज होगी वहां फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड कहलाएगी सेकेंड थिंग इज डैट आपका एडमिशन कोई भी पार्टनर नया पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स अगर वो एडमिट होता है पार्टनरशिप फॉर्म में तो उस केस में भी अगर आपने उसे जगह दिया है तो आपकी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने जा रही है अलॉन्ग विद द न्यू पार्टनर दी ओल्ड पार्टनर्स आर ऑल्सो गोइंग टू शेयर देअ प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द फ्यूचर इन अनदर रेशियो एंड वीच वुड बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयरिंग रेशियो विच यूज टू एग्जिस्ट अर्लियर बिफोर द एडमिशन ऑफ द पार्टनर न्यू पार्टनर इज इट क्लियर एडमिशन ऑफ द पार्टनर के केस में कोई भी पार्टनर अगर आपके यहां मतलब अगर आप सीट पे बैठे हो चार लोग बैठे हो और पांच लोग बैठ सकते हैं चार लोग बैठते हैं तो थोड़ा थो कंफर्टेबल होकर बैठते हैं पांचवा जब आता है तो आप अपने जगह में से कुछ कुछ सेक्रीफाइस करते हो तो आपकी जो कवरेज है पहले से कुछ ना कुछ कम होती है उस केस में आपका जो पहले शेयर था और अब का शेयर है कहीं ना कहीं तो दोनों में डिफरेंस आएगी तो बिल्कुल उसी तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म में है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी पार्टनर नया एडमिट होता है तो भी उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होनी है एंड थर्ड वन थिंग जब मैं बात कर रहा था कि दोनों तो एक ही है सर बस शर्त यह है कि रिटायरमेंट में छोड़ के जाने का मतलब पार्टनर जिंदा रहता है लेकिन डेथ ऑफ पार्टनर के केस में उसका सिर्फ नाम जिंदा रहता है सर पार्टनर ने पार्टनर तो चला गया भगवान के पास है कि नहीं तो रिटायरमेंट या डेथ कोई भी पार्टनर अगर छोड़ के जा रहा है फॉर्म को या तो खुद की मर्जी से या भगवान की मर्जी से तो उस केस में भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होने जा रही है इसलिए मैंने रिटायरमेंट और डेथ को एक जगह रखा है लेकिन आगे चलकर हम लोग जो चैप्टर को चैप्टर जो रिटायरमेंट और डेथ के ऊपर बेस्ड है तो हम लोग उस केस में इन दोनों चीजों को अलग अलग समझेंगे क्योंकि सर कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट थोड़ी बहुत अलग है इन दोनों को लेकर के और फोर्थ वन थिंग इज डैट एमेल ऑफ द फॉर्म कोई भी दो पार्टनरशिप फॉर्म या तीन पार्टनरशिप फॉर्म अगर एक साथ जुड़ जाती है ज्वाइंट वेंचर कर लेती है मतलब दोनों तीनों कोलेबरेट करके एक अलग फर्म का स्टेब्लिशमेंट करती है और तीनों साथ मिलकर काम करना चाहती है तो उस केस को कहेंगे एम एलगेमेसन ऑफ द फर्म वहां पर पार्टनर्स भी ज्वाइन होंगे पार्टनर्स का एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो भी चेंज हो जाएगा जैसे कोई नया पार्टनर आता है तो एक के कारण सारे की पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होती है ठीक उसी तरीके से अगर पार्टनरशिप फर्म एमएलगेमेट हो जाएगी तो पार्टनर्स भी एम होंगे पहले से जो पार्टनर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और कहीं और से पार्टनर्स आ रहे हैं तो दोनों मिलेंगे तो जाहिर सी बात है पार्टनर्स बढ़ेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो भी चेंज होगी हम लोग फिलहाल बात करने जा रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के ऊपर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ द फर्म एक ऐसा टर्म है जहां पर पार्टनर्स बस पार्टनरशिप डीड को चेंज करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म पहले भी वो अगर जूता बनाने का बिजनेस कर रही है तो आगे भी जूता ही बनाएंगी लेकिन जो एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में जो पहले एग्जिस्ट करता था वो कहीं ना कहीं चेंज होने जा रहा है और ये एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को लेकर के नहीं है बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण कहीं ना कहीं आपको गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है अगर आप गुडविल के बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं तो आप लास्ट वीडियो जा करके देखें गुडविल के ऊपर में बेस्ट है गुडविल की वैल्यूएशन के ऊपर में बेस्ट है तो गुडविल भी वहां पर चेंज होगी सर अगर कोई पार्टनर जिसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो पहले से कम होने जा रहा है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के केस में तो उस केस में वो डिमांड करेगा कि जितना आपने मुझे कम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है जितना मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ मुझे उसके इक्वेलेंट गुडविल आप पे करेंगे ये एक तरह का मॉनेटरी रिवॉर्ड भी आप कह सकते हो सर एक इंटेंजिबल थिंग गुडविल उसकी हम लोगों ने मॉनेटरी रिवॉर्ड पे करी है किसको उस पार्टनर को जिसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है सर वो कम हो जाता है तो वो कहने के डिमांड करता है कि आप मेरे इस लॉस के कारण आप मुझे गुडविल पे करें तो हम लोग उसको एक मॉनेटरी रिवॉर्ड के तौर पे गुडविल का वैल्यूएशन करके और उसकी जो सेक्रीफाइज शेयर है जो जितना उसने सेक्रीफाइस किया है हम लोग उस सेक्रीफाइज शेयर को के हिसाब से जो उसकी गुडविल की वैल्यू बनती है हम लोग उसको कैश में पे कर देते हैं किसको सर जिसने सेक्रीफाइस किया है तो सर मॉनेटरी रिवॉर्ड आप कैश में दे सकते हो या नहीं तो जो पार्टनर इक्विवेलेंट गेन कर रहा है कोई पार्टनर तो होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर आप जगह छोड़ रहे हो कोई एक जगह छोड़ रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा अगला तो कोई होगा जो गेन करेगा तो जो गेन कर रहा है वो पार्टनर इक्विवेलेंट गेन के कारण जितना ये सेक्रीफाइस कर रहा है उतना वो गुडविल का वैल्यू इसको देता है और ये अपने अपने कैपिटल अकाउंट में उस चीज़ को क्रेडिट करता है और वो अपने कैपिटल अकाउंट में डेबिट करता है जो गेन करेगा वो डेबिट होगा जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में आपको दो टर्म और एराइज हो जाती हैं सर सेक्रीफाइसड और गेन ये क्या है सेक्रीफाइस एज द नेम इट सल सजेस्ट कि पहले आप चार आम खाते थे और अब आपको आगे से दो आम मिलेंगे मतलब दो आम आपको सेक्रीफाइस करने होंगे आपके हिस्से में दो आम नहीं आने जा रहे हैं और वहीं पे कोई और पार्टनर है कोई और बंदा है वहां पे जिसको पहले छह आम मिलती थी अब उसे दो एक्स्ट्रा आम मिलेगी आपके हिस्से की और उसको आठ आम मिलेगा तो वो गेनिंग है तो वो गेनिंग पार्टनर है उसकी है उसकी शेयर बढ़ रही इसलिए वो गेनिंग शेयर है और आपने सेक्रीफाइस किया है इसलिए आपकी जो शेयर है जो आपने सेक्रीफाइस किया है वो सेक्रीफाइस शेयर है क्लियर है तो अगर आपसे मैं क्लियरली ऐसे ही बिना कोई न्यूमेरिकल अप्रोच के अगर मैं ऐसे ही पूछूं कि क्या होता है गेनिंग शेयर और क्या होता है सेक्रीफाइज तो बता सकते हो तो कैलकुलेशन भी इजी है सेक्रीफाइज शेयर मतलब नया शेयर कम होगा ओल्ड शेयर ज्यादा होगा सेक्रीफाइस्ड हुआ है तब तो कम होगा आपका नया वाला पुराने के कंपैरिजन में तो आपको निकालनी है कि आपकी सेक्रीफाइस शेयर कितनी है तो आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे क्योंकि आपका न्यू कम है तब तो आप सेक्रीफाइस की हो तो ओल्ड शेयर लेस न्यू शेयर विल गिव यू सेक्रीफाइस शेयर ऑन दी अदर हैंड अगर गेनिंग शेयर निकालने की बात हो जाहिर सी बात है सर गेन कर रहे हैं तो आपकी नई शेयरिंग रेशियो जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ओल्ड शेयरिंग रेशियो तो आपको गेनिंग शेयर निकालने के लिए न्यू शेयर लेस ओल्ड शेयर करना होगा तब जाके आपको मिलेगा आपका गेनिंग शेयर साथ ही साथ अगर आपको कहा जा रहा है सर फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में नेसेसरी एडजस्टमेंट क्या करनी हो सकती है तो उस केस में आपकी जो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हैं गुडविल एक्यूमलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इन सारे चीज़ों की अलग अलग ट्रीटमेंट हम लोग एक एक करके जानेंगे उसमें सबसे पहला है गुडविल गुडविल के लिए आपको क्या क्या ट्रीटमेंट करनी पड़ सकती है सपोज कि किसी फर्म की जो पार्टनरशिप डीड है वो चेंज होने जा रही है और फर्म की जो गुडविल है वो फर्म की गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे हम लोग कि एजूम कर लेते हैं ए और बी ओल्ड रेशियो इनकी थी वन इज टू वन ए और बी रेशियो इक्व टू थ्री एस टू फाइव ये था आपका ओल्ड रेशियो और ये था आपका न्यू रेशियो इस केस में कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूं सपोज कि हमें निकालना है सेक्रीफाइस कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो सेक्रीफाइस शेयर ऑफ ए अगर ये सेक्रीफाइस कर रहा होगा तो इसकी जो न्यू शेयरिंग रेशियो ये कम हो जाएगी ओल्ड के कंपेरिजन में तो आप क्या करोगे ओल्ड शेयर लेस न्यू शेयर थ्री अपॉन एट क्या आएगा वन अपॉन एट ये वन अपॉन एट जो है शेयर ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है ए और बी ऑन दी अदर हैंड बी कितना गेन कर रहा होगा तो बीज गेनिंग शेयर इक्वल्स टू न्यू लेस ओल्ड शेयर वन अपॉन एट मतलब सर बी गेन कर रहा है ए सेक्रीफाइस कर रहा है ए वन अपॉन एट सेक्रीफाइस कर रहा है और बी वन अपॉन एट गेन कर रहा है सपोज कर लेते हैं कि गुडविल ऑफ फर्म गुडविल ऑफ द फॉर्म ये दी गई है ट्वेंटी फोर थाउजेंड यह बैलेंस शीट की मैं बात नहीं कर रहा हूं ये आपको एडजस्टमेंट में दिया गया होगा बैलेंस शीट के अंदर में कोई भी गुडविल एग्जिस्ट करेगा तो उसको राइट ऑफ करेंगे इसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं ये जो गुडविल है ये आपको एडजस्टमेंट में दिया गया है इन एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो उस केस में गुडविल आपकी ट्वेंटी फोर थाउजेंड है आपको लग रहा है कि सर ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए विल बी डिमांडिंग और आस्किंग बी टू पे सम ऑफ मनी विच इज इक्विवेलेंट टू दी वन अपॉन एट पार्ट ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म की जो डेट जो परचेज गुडविल है वो वैल्यूएशन की गई है ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो ए मांगेगा बी से कि तुम मुझे ट्वेंटी फोर थाउजेंड का वन अपॉन एट पार्ट दो क्योंकि मैं वन अपॉन एट पार्ट उसका सेक्रीफाइस कर रहा हूं तो ए के हिस्से में जो शेयर जाएगा गुडविल का वो जाएगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड इन वन अपॉन एट एट ट्वेंटी फोर ये आपका थ्री थाउजेंड तो थ्री थाउजेंड आप पे करने जा रहे हो ए को कौन पे करेगा सर बी क्यों करेगा क्योंकि ये गेन कर रहा है सर और जो गेन करेगा जनरल एंट्री आप पास करोगे इसके लिए बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ थ्री थाउजेंड रुपीज टू एज कैपिटल अकाउंट विथ अगेन थ्री थाउजेंड रुपीज बींग एडजस्टमेंट ऑफ ऑफ गुडविल अमाउंट ए एंड बी एज दे आर पार्टनर्स एंड विद चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग गुडविल की ट्रीटमेंट इस तरीके से करेंगे साथ ही साथ गुडविल में कुछ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है दी गई हो क्वेश्चन में कि आपकी जो फर्म में पहले से जो बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल है वो अगर कुछ भी वैल्यू उसकी दी गई है तो आप ओल्ड गुडविल को वो एग्जिस्ट तभी करेगी तभी कर रही होगी जब आपने उसे प्रीवियसली कभी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो उस गुडविल को आपको रिवर्स एंट्री पास करके राइट right ऑफ कर देना है मतलब अगर ओल्ड गुडविल कहीं से भी एग्जिस्ट कर रही है तो उसे राइट right ऑफ करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस गुडविल की कोई वैल्यूएशन नहीं रह जाती है क्योंकि आप रिकॉन्स्टिट्यूशन के, के केस में अपनी फर्म की आप परचेज गुडविल नया गुडविल आप निकाल रहे हो तो ओल्ड गुडविल की कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगी अगर ओल्ड गुडविल की वैल्यू फिफ्टीन थाउजेंड है और नई गुडविल जो आपकी आई है वो ट्वेंटी फोर थाउजेंड है तो आगे चल के आपके फर्म में ट्वेंटी फोर थाउजेंड एग्जिस्ट करने जा रहा है फिफ्टीन थाउजेंड नहीं इसीलिए आप फिफ्टीन थाउजेंड को जो ओल्ड पार्टनर्स थे जैसे ए और बी वैसे तो रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो वो ओल्ड पार्टनर्स भी ए और बी ही रहेंगे और न्यू पार्टनर्स भी ए और बी रहेंगे तो आप ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे राइट right ऑफ करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है से एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट इन द रेशियो इन व्हिच दे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस अर्लियर विद एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द गुडविल एग्जिस्टिंग अगर आपको वन इज टू वन ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया गया है गुडविल फिफ्टीन थाउजेंड दी गई है तो आप ए और बी के कैपिटल अकाउंट में इक्वल अमाउंट फिफ्टीन थाउजेंड का हाफ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन दैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन दी कैपिटल अकाउंट ऑफ बी आप डेबिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट गुडविल अकाउंट से आप दोनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे ताकि उनकी कैपिटल अकाउंट में जो अर्लियर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की गई थी वो अब राइट right ऑफ होकर के उस वैल्यू को डायल्यूट कर देती है उसकी वैल्यू रिमेनिंग नहीं रहेगी क्यों क्योंकि सर आपके फर्म की गुडविल पहले कम्पेरिजन में आज बढ़ चुकी है और ये जो गुडविल है ये एग्जिस्ट करेगी पुरानी गुडविल आपकी राइट right ऑफ हो जाएगी पुरानी गुडविल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है इट वॉज ऑल अबाउट योर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नाउ अब हम लोग बात करेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस जो एक्यूमिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है या रिजर्व है से जनरल रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है सर नाम तो ते टेरा ते है जैसा नाम है इन लोगों का ठीक है इन सभी की ट्रीटमेंट कैसे करनी है आपको बड़ा सिंपल सा लॉजिक है बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इसका एक मंत्र याद कर लीजिए आप कि जो भी एक्यूमिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व दिया गया है सिर्फ जनरल रिजर्व दिया गया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक अलग दुनिया है बाद में चर्चा करूंगा ये दोनों अलग है ये अलग हमारे कम्युनिटी से बाहर है हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे पहले चर्चा करते हैं उन चीजों की जो हमारे नजदीकी हैं जैसे एक्यूमलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका बैलेंस या तो क्रेडिट होगा तो लाइबिलिटी साइड में और डेबिट होगा तो एसेट साइड में आप देखे भी होंगे और जनरल रिजर्व तो ऑलवेज ये दिखाया जाता है हमारे लाइबिलिटी साइड में तो लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व का होना या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होना ये दिखाता है कि हमारे फर्म में एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ऑफ एनीथिंग इज वॉट योर प्रॉफिट तो टेड प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल का जनरल सा ट्रीटमेंट है आप उनको चूंकि अगर आपने प्रॉफिट बचा के रखा है तो ये आपके ओल्ड ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेश में आपने निकाल के रखा होगा मतलब अगर ओल्ड पार्टनर से आपने प्रॉफिट को पूरी तरीके से विदड्रॉ नहीं किया और अपने कुछ प्रॉफिट का हिस्सा फर्म को दे दिया कि आप इसको डिपोजिट कर लो जब भी किसी भी तरह की कंटिजेंसी अराइज होगी तो हम लोग इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको पे करेंगे ताकि हमें कहीं और से फाइनेंस ना करना पड़े और हमारी फाइनेंस की जो रिमिटेंसेस है इसकी प्रॉब्लम अराइज ना हो इसीलिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर आपने जनरल जॉब प्रिपेयर किया है जनरल रिजर्व विच इज मेन्ड फॉर द रिमिटेंस ऑफ एनी जनरल इश्यू और एनी जनरल कंटिजेंसी ऑफ द फॉर्म उसको रिमिट करने के लिए तो रिमिटेंस करने के लिए आपने उसे बनाया था तो अब आज आज को आज तक आप तक आपको जरूरत नहीं पड़ा जब भी आपकी फर्म जब तक रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है तब तक आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं आई तो आप ओल्ड रेशो में पार्टनर्स ने उसे अपने कैपिटल अकाउंट से निकाल के रख दिया था कि आप इस प्रॉफिट को रख लो तो आज आपकी रिक्वायरमेंट कि आप उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे तो ओल्ड रेशियो में ही करेंगे ठीक है तो आप एक्यूमेलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है मतलब सारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जो सर वो क्रेडिट होने जा रही है विथ एन इक्वल वैल्यू ऑफ योर एक्यूमेलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं आपके असिस्टेंस के लिए एंट्री पास करके दिखा रहा हूँ इन केस ऑफ अक्यूमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व आपको एंट्री पास करनी होगी सर एक्यूमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व ये भी डेबिट हो जाएगी टू जितने पार्टनर्स हैं से ए और बी हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट बीइंग ओल्ड रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो आपने ओल्ड रेशियो में क्या किया आपने ओल्ड रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मतलब कि अगर कुछ भी अमाउंट दी गई है एक्यूमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की या फिर जो भी रिजर्व है जनरल रिजर्व है आपको तो आपको उसे ओल्ड रेशियो में ही पार्टनर्स को क्रिएट कर देना है लेकिन कभी कभी इंस्ट्रक्शन आपको दिया जा सकता है कि सर आपको एक्यूमिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है वो जैसी एग्जिस्ट कर रही है करने दीजिए जनरल रिजर्व है उसे भी आप रहने दीजिए लेकिन जो आपकी इफेक्ट है चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की आप उस इफेक्ट को तो दिखाने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखाइए ये, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुनने में मैं, मैं फिर से बताता हूं आपको कि किसी केस में आपको कहा जा रहा है कि एक्मिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व उसको टच नहीं करना है बिल्कुल टच नहीं करना है लेकिन उसकी जो इक्वेलेंट चेंज इन दी वैल्यू है या आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उसके कारण जो इफेक्ट हो रहा है उसमें दिखाई दे रहा है गेन या सेक्रीफाइस का आप उस इफेक्ट को सिर्फ दिखाइए आप क्या करेंगे सर वही करेंगे जो हमारे गुडविल के की हुआ करता था गुडविल में आप क्या करते थे फर्म की जो परचेज गुडविल थी आप उस गुडविल की जो वैल्यू थी उसे गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई करके आप एक पार्टनर जो कि गेन कर रहा था आप उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते थे और जो पार्टनर ऑन दी अदर हैंड सेक्रीफाइस करता था आप उसे क्रिएट करते थे यहां भी वही करना है एक्यूमेलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व का जो टोटल अमाउंट है ना आप उसे ऐड कर लो सबसे पहले और ए और बी जो भी पार्टनर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो इन शेयर निकालने के बाद आप उसे मल्टीप्लाई करो एक्यूमेलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो वैल्यू दी गई है उससे जो वैल्यू आएगी ना गेनिंग पार्टनर्स को उतने अमाउंट से डेबिट कर देना और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रिएट कर देना बोलो इससे क्या होगा अगर आप नया बैलेंस शीट बनाओगे ना तो एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा जिसकी वैल्यू चेंज हो रही थी और दूसरा जो पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा था उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी मतलब आपकी लाइबिलिटी साइड में एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का वैल्यू बढ़ने जा रहा है और दूसरे का घटने जा रहा है लेकिन अक्यूमलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या जनरल जम में कोई चेंज नहीं हो रहा है आप बस उसकी जो वैल्यू है कौन सी वैल्यू जो वैल्यू आपको बुक में दी गई है बैलेंस शीट में दी गई है आप उस वैल्यू का जो इक्विवेलेंट चेंज है गेनिंग याक्रीफा सेक्रीफाइस शेयर का अब बस उतना ही वैल्यू से आप एक पार्टनर को डेबिट कर रहे हो दूसरे को क्रेडिट कर रहे हो मतलब टोटल इक्वेलटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरली जब आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है ठीक है आप बस उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू को एक को डेबिट कर देते हो और एक को क्रेडिट कर देते हो अब रिमेनिंग दो टॉपिक्स हैं एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएसन रिजर्व इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ और फुल डिस्क्लोजर के साथ आपको अगले वीडियो में बताने जा रहा हूं क्योंकि यह वीडियो काफी लंबी हो चुका है सिर्फ गुडविल तक और हमारी इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल जब के ले, को लेकर के तो आगे की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो स्टे स्टेट्यूं और हमारी जो अगली वीडियो है उस उसमें हम लोग बात करने वाले हैं दो रेस्ट ऑफ द टॉपिक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की ट्रीटमेंट एंड इसके ट्रीटमेंट के बाद हमारी जो चैप्टर है चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये भी खत्म हो जाएगी थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टेट्यून्ड फॉर एनी क्वेरी कॉन्टेक्ट ऑन माइ व्हाट्सएप नंबर और फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन इधर ईमेल मी योर क्वेश्चन और क्वेरीज और शेयर करना ना भूलें सब्सक्राइब तो कर ही दें हमारे चैनल को बार बार हमारी यह अपील रहती है और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर दें थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्यून्ड